चूहा एक ऐसा जीव है जिसे कोई भी अपने घर में देखना नहीं पसंद करता है, फिर भी ये अनचाहा मेहमान हमारे घर में आ ही जाता है। ये जब आता है तो हमारे घर का ही नुकसान नहीं करता, अपने पीछे जहरीले जानवरों का न्योता भी छोड़ के आ जाता है। इन्हें खाने के लिए अक्सर घर में इस तरह के सांप कीड़े घर में घुस आते हैं, तो इसे भगाने का एक ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, इसे आप अपनाइएगा, 110% ये काम करता है और आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा काम आएगी। तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। बहुत सारे ऐसे कमेंट थे जिसमें कहा गया था कि घर में से चूहे भगाने का कोई रामबाण उपाय बताइएगा। देखिए, घर में चूहा आता क्यों है, उसे हमेशा कुछ ना कुछ खाने की जरूरत होती है और किचन एक ऐसी जगह होती है जहां उसे खाने का सामान भरपूर मात्रा में मिल जाता है। अगर आप किचन में खाना खुला रखते हैं तो चूहा कभी भी आना बंद नहीं करेगा। तो हम खाने की चीजों में ऐसा कुछ मिलाने वाले हैं कि इससे चूहा आपके घर में आना भूल जाएगा। हमने लिए हैं काबुली चना और 2 चम्मच इतना बेसन का आटा। आपके पास बेसन का आटा नहीं है तो यहाँ पर आप मकई का आटा, गेहूं का आटा, मैदा, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। 2 चम्मच इतना आटा लिया है। इसके बाद में 1 चम्मच इतनी लाल मिर्च लेना है। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखिएगा। कुछ भी टिप अगर मिस होता है तो जो रेमेडी है वो ठीक से काम नहीं करेगी। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच आटा लिया है, 1 चम्मच भर के हमें यहाँ लाल मिर्च लेना है। आज जो मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ ये 100% वर्क करती है। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू वॉच कीजिएगा। अब यहाँ पर एक और चीज हम ऐड करेंगे, ये है कपूर। कपूर हर घर में बहुत आसानी से मिल जाता है, तो हमने यहाँ जितनी आपने मिर्ची ली है उतनी ही क्वांटिटी में हमने कपूर लेना है। कपूर की जो खुशबू होती है, ये जो इसका असर होता है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि इसे हम हमारे खाने पीने में तो यूज नहीं करते, पर ये बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है, इसलिए हम इसका आरती में यूज करते हैं। आपने देखा होगा इसकी महक तो बहुत स्ट्रांग आती ही है। इसका जो स्वाद होता है वो किसी भी जीव के जीव मचलाने के लिए बहुत ज्यादा वो काम करता है, यानी कि इसे खाने के बाद में बहुत ज्यादा बेचैनी होती है। तो यहाँ मैंने कपूर लिया है, तो इसे ज्यादा क्रश करने की जरूरत नहीं है। आप बस हाथों से इस तरीके से मस लेंगे ना, तब भी ये बहुत अच्छे से पाउडर के फॉर्म में बन जाता है। अगर आपके घर में कपूर यूज नहीं किया जाता है या कपूर नहीं है तो आप यहाँ पर फिनाइल की गोलियां या जिसे नेफ्थलीन की गोलियां कहते हैं वो भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर भी आप पाउडर बना लीजिएगा नेफ्थलीन की गोलियां, और वो भी 1 चम्मच इतना होना चाहिए। 2 गोलियों को अगर आप पाउडर बनाएंगे तो 1 चम्मच इतना पाउडर आपको मिल जाएगा। इस सामग्री को बहुत अच्छे से आपने मिक्स करना है। अच्छा, इसके बाद में आपने क्या करना है, इसे मिक्स करने के बाद में इसमें ना थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है। एकदम से पानी ऐड मत कर दीजिएगा, नहीं तो पानी ऐड करने से क्या होगा कि ये बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा। पतला हो जाने की वजह से ये हमारे किसी काम नहीं आएगा। फिलहाल में मैंने इसे अच्छे से बढ़िया से मिक्स कर लिया है। जब आप पानी ऐड करें, 1-1 चम्मच करके इसे ऐड करें, और एक सख्त आटा हमें लगाना है। चाहे तो आप सेमी भी लगा सकते हो, पतले और मोटे के बीच में जो होता है वैसा आटा लगा सकते हो, जैसे कि मैं आपको दिखाई रही हूँ। 3 चम्मच इतना मैंने पानी ऐड किया है। हल्के से इसे मिलाते जाना है। अगर आपको लगेगा कि आटा नहीं बन रहा है तब आप यहाँ पर थोड़ा सा और ऐड कर लीजिएगा। ये जो रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ इसके बहुत सारे फायदे हैं। इससे आपके घर के जो चूहे हैं वो तो भागेंगे ही, अगर ये बच्चों वगैरह के हाथ लग भी जाती है तो इससे हेल्थ को कोई भी नुकसान नहीं होगा। पर कोशिश कीजिएगा फिर भी आपको इसे बच्चों के हाथ नहीं लगने देना है, क्योंकि हमने इसमें कपूर को ऐड किया है। वैसे तो इसकी स्मेल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मैं इसे मिक्स ही कर दी थी और मुझे इतना ज्यादा स्ट्रांग स्मेल इसकी आ रही थी कि मुझसे मतलब सहन नहीं हो रहा था। तो आप सोच सकते हैं कि चूहे पे क्या ही असर करेगा। अच्छा, आप अभी देख रहे होंगे मैंने इसे मिक्स किया और इतनी स्ट्रांग स्मेल आ रही है, तो चूहा इसकी तरफ अट्रैक्ट कैसे होगा, यानी इसे खाएगा कैसे, ये एक सवाल आपके दिमाग में जरूर आया होगा। तो देखिए, पहले इसे अच्छे से बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं, और भी मैं इसमें कुछ चीजें ऐड करूंगी जिससे चूहे इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और इसे खाएंगे। आप इसी तरीके से अगर इसे छोड़ देंगे तो शायद ही चूहा खाएगा, क्योंकि आजकल के जो चूहे हैं या हर जीव के लिए ही मैं कह सकती हूँ वो बहुत ज्यादा समझदार होते हैं। अब कुत्ता बिल्ली के लिए ही नहीं मैं कह रही हूँ, हर जानवर इंसान के साथ समझदार होते जा रहा है। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे चने। ये काबुली चने हैं, मैंने इन्हें भिगो लिया था, क्योंकि अगर आप खड़ा चना इसके अंदर डालोगे तो वो चना ना इसका पानी सोक करेगा, यानी कि वो फूलने में टाइम लेगा। तो ये जो आटा हमने लगा के रेडी करा है ये ना कड़क हो जाएगा। तो आप ना भीगे हुए चने या जो एक रात पहले हम गला के रखते हैं उन चनों को ऐड कीजिएगा, इससे इसका जो पानी है आटे का वो खत्म नहीं होगा। अब यहाँ पर हमने छोटी छोटी बॉल्स बना लेनी है। अब इसे आपने हर घर के उस कोने में रख देना है जहां पर आपने चूहा देखा है या चूहा आता है, क्योंकि सिर्फ चूहा आता है तो वो अपने पीछे जहरीले जीव ही नहीं लेके आता है, वो जिस भी एरिया में घूमेगा वहां वो गंदगी भी मचाता है, टेबल को कट कर देता है, महंगे फर्नीचर खराब कर देता है, और खाने पीने के सामानों की तो पूछिए मत क्या हालत कर देता है। और जो इनकी स्मेल होती है उसकी वजह से काफी सारी बीमारियां भी हमारे घर में पनप जाती है। तो चूहों को देखते ही
सबसे पहले इस रेमेडी को तैयार कीजिए, घर के हर कोने में रख दीजिए जहां पर चूहे बहुत ज्यादा मात्रा में आ रहे हैं या बहुत ज्यादा आपके घर में आतंक मचा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे मेरे पास ऐसे कमेंट है कि हमारे घर में तो चूहे की फौज है, हम कुछ भी कर ले चूहे जैसे ही हम दरवाजा लगाते हैं या दरवाजा खुलते हैं वापिस चूहे घर के अंदर आ ही जाते हैं। तो ये रेमेडी सबसे बेस्ट है। अब यहाँ पर आपने देखा होगा छोटी छोटी मैंने बॉल्स बना ली है, कुछ आटा रख दिया है, इसके लिए लिया है मैंने गेहूं का आटा। आपने देखा होगा कि अगर आप रोटी भी छोड़ दोगे ना गैस स्टैंड के आसपास तो चूहा ना रोटी लेके भाग जाता है और घर के कॉर्नर्स में आपको रोटी मिलेगी, कहीं सोफे के नीचे कहीं पलंग के नीचे, क्योंकि उन्हें रोटी खाना बहुत ज्यादा पसंद है। और ये जो गीला आटा होता है ना ये भी टाइम के साथ सूख जाएगा तो ये एक रोटी की आकार ले लेगा। तो मैंने यहाँ पर गीले आटे का ही यूज किया है, आप चाहे तो आटा लगा लीजिएगा, थोड़ा सा मेरे पास लगा हुआ था तो मैं इसी का यूज करके आपको बता रही हूँ। इस तरीके से छोटी छोटी ना हमने पूड़िया बना लेनी है। आपने देखा होगा कि समोसे की जैसे हम स्टफिंग करते हैं, कचौरी की स्टफिंग करते हैं, बिल्कुल सिमिलर हमने यहाँ पे भी इसकी स्टफिंग करनी है। अंदर की तरफ आप इसे भर दीजिएगा और यहाँ पर आप इसे छोटी छोटी बॉल्स जैसे आलू बड़ा वगैरह की स्टफिंग करते हैं ना उस तरीके से कर दीजिएगा। इसका फायदा ये होगा कि बाहर से आटे का कवर होगा जिसकी वजह से चूहा इसे 100% खाएगा। जो पहले मैंने आपको बताया है कि छोटी छोटी बॉल्स बना के रख दीजिए उसमें शायद चूहा ना भी खाए, पर अगर घर में कुछ भी खाने पीने का आपने सामान नहीं रखा है, मान लीजिए दाल चावल आटा जो भी लेफ्ट ओवर फूड है वो आपने सब कुछ किचन में से निकाल दिया है तो जरूर चूहा खाएगा। पर होता है कभी कभार क्या होता है हमारे घर पीछे से कोई और भी किचन में जाता है और वो किचन का खाने का सामान इधर उधर रख दे तो चूहे उसे खा के ही निकल जाएंगे, फिर इस चीज पे आएंगे नहीं। तो आपने ये बॉल्स बना के रखनी है जो आटे से मैंने कवर की है, इसे चूहा जरूर खाएगा। कोशिश कीजिएगा इस रेमेडी को बनाने के बाद जब इसे आप घर के कोने में रख दें, घर में ना पानी आपने खुला नहीं रखना है। मैंने बहुत बार आपको यही चीज बताई है, जब कोई घरेलू रेमेडी मैं आपको बताती हूँ तो घर में पानी खुला नहीं रखना है, जैसे कि पानी की बाल्टी में पानी नहीं होना चाहिए या जो पानी की आपकी टंकी है उसे अच्छे से कवर करके रखिएगा, क्योंकि चूहे को खाते ही मिचली होती है और मिचली होने के बाद वो डायरेक्ट ना पानी ढूंढता है। अगर आप उसे पानी दिखा दोगे और उसे पानी मिल जाएगा तो वो ना इस चीज को पचा लेता है, पर अगर उसे पानी नहीं मिलेगी तो उसे बहुत ज्यादा मिचली होगी और वो डायरेक्ट घर से बाहर भागेगा और अगेन आपके घर में नहीं आएगा। ये जो हमने चूहे मारने की रेमेडी घर पे बना के रेडी करी है इसे किस तरीके से घर में रखना है ये बात भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर आटे से कवर की हुई मैंने बॉल्स बनाई है और बिना आटा कवर की हुई भी बॉल्स है। इन्हें रखने का मैं तरीका बता देती हूँ आपको। गैस स्टोव के ऊपर आपने आटे से कवर की हुई बॉल्स को रखना है, गैस काउंटर के नीचे या ऐसे कॉर्नर वाली जगह जहां पर चूहे छुपने का काम करते हैं वहां बिना कवर की हुई बॉल्स को आप रख सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग उठ के आपने इन बॉल्स को उठा लेनी है ताकि किसी बच्चे के हाथ में ना आए। कोशिश पूरी कीजिएगा आपको इसे बच्चों के हाथ बिल्कुल नहीं लगने देना है, इनसाइड अंदर की तरफ छुपा छुपा के रखना है कि बच्चों के हाथ ही बिल्कुल ना लगे। फिर भी कोशिश कीजिएगा कि अर्ली मॉर्निंग उठते ही सबसे पहले आपने इन्हें कलेक्ट करना है, ध्यान रखना है कि आपने घर के किस कोने में इसे रखा है और ध्यान से देखिएगा क्या इसे चूहे ने खाया है। मेरी तो पूरी गारंटी है कि हाँ इसे चूहा खाता है। खाने पीने की कोशिश कीजिएगा कोई भी चीजें खुले ना रखें ताकि चूहा आए और डायरेक्ट इसे ही खाए, क्योंकि बहुत सारे घरों में चूहे का आतंक हो जाता है जिसकी वजह से काफी सारे वो खाने पीने की नुकसान करते हैं और काफी सारे जहरीले जीव भी उनके पीछे पीछे आ जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया ही है। यहाँ घर में इस तरह के और भी कॉर्नर्स हैं मेरे जहां पर चूहे अक्सर छुपने का काम करते हैं, तो यहाँ पे भी मैंने बॉल्स को रख दिया है। चलिए मिलते हैं अगली ऐसी यूजफुल वीडियो में जो आपके घर और किचन के काम को आसान बनाते हैं। इस रेमेडी को यूज कीजिएगा फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।